हेलो स्टूडेंट्स, ओके नाउ लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किया था, याद है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और वो पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा समझने के बाद हम आ चुके हैं और कुछ नए क्लासिफिकेशन के साथ साथ, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, प्रैक्टिकल हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और पावरफुल हो जाएगा। बट वापस मैं कुछ नए आपको क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स दूँ, राइट, उसके पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वो जो मैंने चार्ट ड्रॉ किया था वो क्या था एग्जैक्टली, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, आप उसे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी बोल सकते हो, आप उसे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी बोल सकते हो। अकाउंट्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज पर्सनल अकाउंट, अदर इज इंपर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किस पे अप्लाई होता है? पर्सन पे। पर्सन कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन सा? नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन में कौन कौन काउंट होता है? ऑल मेल एंड ऑल फीमेल्स, जितने भी मेल हैं जितने भी फीमेल्स हैं वो सब आएंगे नेचुरल पर्सन में। आर्टिफिशियल पर्सन में कौन आएगा? ऑल द इंस्टीट्यूट्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं सारे इंस्टीट्यूट्स आएंगे आर्टिफिशियल पर्सन में, दैट वाज अ पर्सनल अकाउंट। इस तरफ जो इंपर्सनल अकाउंट था उसके भी दो पार्ट्स हैं, वन इज रियल अकाउंट, अदर इज नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट किस पे अप्लाई होता है? एसेट पे, प्रॉपर्टी पे। बिजनेस में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना उन सारी प्रॉपर्टीज पर रियल अकाउंट आएगा। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आएगा? नॉमिनल अकाउंट में चार चीजें आपको याद रखनी है, एक्सपेंस, इनकम, बोलो एक्सपेंस इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस। ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनकम, ऑल लॉसेस एंड ऑल प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है? गेन्स। ये चारों चीजों के ऊपर नॉमिनल अकाउंट आएगा। और हमने लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे 10 क्लासिफिकेशंस प्रैक्टिस किए थे, राइट? अब आपके नोट में लिखते जाओ, मैं बोलते जाता हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले से बोर्ड पे लिख के रखा, आप लिखिए। नंबर 11 लिखिए कंप्यूटर अकाउंट, आप लिखिए लिखिए आप लिखिए, मैं वेट करूँगा। नंबर 11 कंप्यूटर अकाउंट, 12 श्रीदेवी होटल अकाउंट, 13 संस्कार स्कूल अकाउंट, 14 सैलरी अकाउंट, 15 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, 16 कमीशन अकाउंट, 17 रेंट अकाउंट, 17 रेंट अकाउंट, 18 प्रिंटर अकाउंट, कंप्यूटर के साथ जो अटैच्ड होता है मशीन, दैट इज प्रिंटर, जिसमें से प्रिंटआउट सब निकालते हैं वो प्रिंटर अकाउंट, 19 राहुल अकाउंट, 20 रिलायंस अकाउंट। आगे चलते हैं, 21 कैश अकाउंट, 22 धोनी अकाउंट, 22 धोनी अकाउंट एपोस्ट्रोफी, 23 इंटरेस्ट अकाउंट, 24 रेलवे चार्जेस अकाउंट, 25 लॉस बाय फायर अकाउंट, 25 लॉस बाय फायर अकाउंट, 26 एसबीआई अकाउंट, 26 एसबीआई अकाउंट, 27 एसबीआई क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक का नाम है। 27 आलिया भट्ट अकाउंट, 28 कार अकाउंट, 29 फैन अकाउंट, जो सीलिंग फैन होता है या टेबल फैन होता है, फैन, एंड 30 गुड्स अकाउंट। ओके, आपने एक क्वेश्चन लिख दोगे, अब आपको ये क्वेश्चन के सामने या तो पर्सनल अकाउंट या तो रियल अकाउंट या तो नॉमिनल अकाउंट, जो भी अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको लिखना है।
आप लिखिए एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद राइट इसके आंसर में बोर्ड पे लिखूंगा। तो आप पहले अपने लेवल पे लिखिए, जो आपको पता चल रहा है उसके हिसाब से आंसर लिखिए, जो पता नहीं चल रहा उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है, और बाद में चेक कर लेंगे आपके कितने सही आ रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गए आपके आंसर्स, ठीक है। तो मैं अगर आप आंसर लिखने जा रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए। देखो पर्सनल अकाउंट होगा तो मैं खाली पी लिखूंगा, रियल अकाउंट होगा तो मैं आर लिखूंगा, और नॉमिनल अकाउंट होगा तो मैं एन लिखूंगा। कंप्यूटर क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का आंसर क्या है? रियल अकाउंट। श्रीदेवी होटल, होटल क्या है? इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन है, इसलिए आंसर क्या है? पर्सनल अकाउंट। संस्कार स्कूल, स्कूल भी क्या है? इंस्टीट्यूशन, आंसर क्या है? पर्सनल अकाउंट। सैलरी, सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी हो सकता है इनकम भी हो सकता है, लेकिन हम बिजनेस है तो बिजनेस के एंगल से सैलरी हम एक्सपेंस ही कंसिडर करेंगे, बट आप उसको एक्सपेंस ट्रीट करो या इनकम ट्रीट करो, एक्सपेंस और इनकम दोनों किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में ही आएगा। प्रॉफिट और सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट मतलब जो भी लॉस प्रॉफिट है वो कहाँ पर आएगा? नॉमिनल अकाउंट। कमीशन, ओके कमीशन एक्सपेंस भी हो सकता है इनकम भी हो सकता है, बट एक्सपेंस हो या इनकम हो नॉमिनल अकाउंट में नहीं आएगा। रेंट नॉमिनल अकाउंट में आएगा। प्रिंटर प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट। राहुल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट, व्यक्ति का नाम है। रिलायंस, रिलायंस एक कंपनी का नाम है, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, आंसर किस में का? पर्सनल अकाउंट में आएगा। आगे देखते हैं। कैश, कैश हार्ड कैश जो होता है वो आपका एसेट होता है, प्रॉपर्टी होता है, रियल अकाउंट आएगा। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर नॉमिनल लिखा होगा, गलत। जब आप खर्चा करते हो तब वो खर्चे को हम नॉमिनल से रिकॉर्ड करते हैं, बट कैश अपने आप में कैश इटसेल्फ विल बी ट्रीटेड एज एसेट्स, प्रॉपर्टी। अगर आपका सूटकेस में 5 करोड़ कैश है तो आपका प्रॉपर्टी है बच्चों, तो रियल अकाउंट। धोनी अकाउंट, धोनी है पर्सनल अकाउंट, पर्सन का नाम है। इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। रेलवे चार्जेस, तो जब आप चार्जेस देखोगे, चार्जेस मतलब ये आपका खर्चा हो गया, तो आंसर क्या आएगा? नॉमिनल अकाउंट। लॉस बाय फायर, लॉस लिखा लॉस तो नॉमिनल अकाउंट आएगा। SBI बच्चों ये बैंक का नाम है, तो बैंक का नाम है तो ये आंसर क्या आएगा? पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन है।
आलिया भट्ट नेचुरल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट आएगा, कार प्रॉपर्टी है तो रियल अकाउंट आएगा, फैन राइट फैन प्रॉपर्टी होता है तो रियल अकाउंट आएगा, एंड गुड्स जो सामान आपने रखा है बेचने के लिए वो सामान आपके बिजनेस के लिए क्या होता है प्रॉपर्टी ही होता है, ये भी आंसर क्या है रियल अकाउंट ही आएगा। ठीक है तो जिसके जो रॉन्ग वे है राइट प्लीज उसको रेक्टिफाइड कर दो, उसको चेक करके वापस करेक्ट कर लो राइट। मैं आपके लिए दो मिनट वेट करता हूँ। यस हो गया ठीक है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हम और 20 ऐसे करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी आप मेरे साथ लिखते जाइए और आंसर भी अगर आपको पता तो साथ में लिखते जाइए। ओके कम ऑन राइट ऑन 31 तक हमने ऑलरेडी कर लिया था, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 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
ले सकते हैं आप। नेक्स्ट माधुर्यकम, माधुर्यकम। नेक्स्ट टैक्सी चार्जेस अकम। नेक्स्ट मशीनरी अकम। नेक्स्ट रिपेयर्स अकम। नेक्स्ट एयर टिकट चार्जेस अकम, एयर टिकट चार्जेस अकम। नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट टाटा अकाउंट। नेक्स्ट मनीष अकाउंट। नेक्स्ट इंटरनेट बिल अकाउंट। सो मैंने 10 एक्स्ट्रा लिख दिए, आप इसके आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। मैं अब तक और नंबर लिख लेता हूँ, हम हाफ सेंचुरी तक हम से मारेंगे। 42, 43 बढ़िया है। ओके स्टार्ट कर लेंगे। सेंट जॉर्ज स्कूल अकाउंट, सेंट्रल स्कूल अकाउंट। नेक्स्ट लिखो दादर लाइब्रेरी अकाउंट, नोबल कोचिंग क्लासेस अकाउंट, नोबल कोचिंग क्लासेस अकाउंट। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट कार्तिक अकाउंट, नेक्स्ट लैंड अकाउंट, नेक्स्ट ब्रोकरेज अकाउंट, नेक्स्ट डिविडेंड अकाउंट, नेक्स्ट इंफोसिस अकाउंट एंड लास्ट बेटे भाई कॉलेज अकाउंट। ओके तो अगेन आई एम गिविंग यू टू मिनट्स, टू मिनट्स में जितना आपसे पॉसिबल उतना इसका आंसर देखना स्टार्ट करो, जितना आपको पता चल उतना देखो, हमारा यहाँ पर हाफ सेंचुरी हो चुका है, मैं दो मिनट के बाद इसका आंसर देखना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया होगा, तो इसके आंसर एकदम स्टार्ट करते हैं। नाउ चैंपियन स्टोर, बच्चों स्टोर एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक इंस्टीट्यूशन है, तो इसका आंसर है पर्सनल अकाउंट। माधुरी, ना माधुरी शी इज अ फीमेल नेचुरल पर्सन, सो आंसर विल बी पर्सनल अकाउंट। टैक्सिंग चार्जेस, चार्जेस आपने शब्द देखा ना, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नॉमिनल अकाउंट। मशीनरी, मशीनरी प्रॉपर्टी है, तो आंसर क्या है रियल अकाउंट। रिपेयर्स, रिपेयर्स क्या होता है खर्चा होता है, खर्चा किसमें आएगा नॉमिनल अकाउंट में। एयर टिकट चार्जेस, चार्जेस लिखा है एयर टिकट चार्जेस हो या रेलवे टिकट चार्जेस हो या बस टिकट चार्जेस हो, चार्जेस आना तो खर्चा है, आंसर आएगा नॉमिनल अकाउंट। बैंक ऑफ बड़ौदा, सो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है, बैंक है, तो इसका आंसर क्या आएगा पर्सनल अकाउंट, बराबर इंस्टीट्यूशन है। टाटा, टाटा भी इंस्टीट्यूशन है पर्सनल अकाउंट। मनीष नेचुरल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट। इंटरनेट बिल अकाउंट, इंटरनेट का बिल आया तो ऑब्वियसली आपका खर्चा है, तो आंसर क्या आएगा नॉमिनल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, सेंट जॉन स्कूल, सेंट जॉन स्कूल स्कूल इंस्टीट्यूशन, तो आंसर क्या आएगा पर्सनल अकाउंट। दादर लाइब्रेरी, सी दादर लाइब्रेरी ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है, जैसे स्कूल में कॉलेज में लाइब्रेरी होता है वैसे एक लाइब्रेरी है, सो ये लाइब्रेरी में जाके कोई भी पर्सन एडमिशन लेकर वहाँ पर स्टडी कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। सो दादर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का नाम है दादर लाइब्रेरी, सो दिस इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सो इंस्टीट्यूशन आंसर आएगा पर्सनल अकाउंट। नोबल कोचिंग क्लासेस, ये नोबल कोचिंग क्लासेस, क्लासेस स्कूल कॉलेजेस, ये इंस्टीट्यूशन है आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल अकाउंट आएगा। सागर डेयरी, सागर डेयरी पर्सनल अकाउंट है। कार्तिक पर्सनल अकाउंट है। लैंड प्रॉपर्टी है तो रियल अकाउंट। ब्रोकरेज, बच्चों ब्रोकरेज क्या होता है कमीशन, जब आप कोई प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू लेते हो तो एजेंट के थ्रू लेने के बाद एजेंट को कुछ कमीशन देना पड़ता है, वो जो कमीशन होता है उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं ब्रोकरेज। सो ब्रोकरेज एक प्रकार का कमीशन है, कमीशन का दूसरा नाम है, तो ये खर्चा है, खर्चा हो या इनकम जो भी हो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है इट इज अ इनकम, क्या होता है अगर आपने आपका पैसा अगर किसी कंपनी के शेयर्स में स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट किया तो वो कंपनी आपको बदले में जो इनकम देगी दैट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड। आई रिपीट व्हाट आई स्पोक,
मैंने कहा अगर आपने आपका पैसा किसी कंपनी के शेयर्स में अगर इन्वेस्ट किया तो वो कंपनी आपको साल के एंड में कुछ इनकम भी देती है, कुछ इनकम भेजेगी। जैसे आपने आपका पैसा अगर बैंक के एफडी में रखा तो बैंक आपको बदले में क्या देता है, इंटरेस्ट। वैसे ही अगर आप आपका पैसा बजाय बैंक के अगर किसी कंपनी के शेयर्स में अगर लगा देते हो तो वो कंपनी साल के एंड में आपको कुछ इनकम देती है और उस इनकम को हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड। उस कंपनी के लिए वो एक्सपेंस होगा लेकिन हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा। बट एक्सपेंस हो या इनकम हो ये कहां पर आएगा, नॉमिनल अकाउंट में ही आएगा, नॉमिनल अकाउंट। तो डिविडेंड इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इनकम। ब्रोकरेज जो ऊपर पड़ा है वो एक टाइप का क्या होता है, एक्सपेंस होता है, कमीशन होता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। इन्फोसिस, इन्फोसिस एक कंपनी का नाम है राइट, जैसे रिलायंस टाटा वैसे इन्फोसिस ये कंपनी का नाम है, इंस्टीट्यूशन है, तो आंसर आएगा पर्सनल अकाउंट। एंड फाइनली मेडिवाई कॉलेज, हाँ मेडिवाई कॉलेज ये कॉलेज का नाम है, ऑब्वियसली ये भी इंस्टीट्यूशन है, तो आंसर क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड राइट ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वेल राइट। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना सही, नेक्स्ट लेक्चर में हम और सीखेंगे। अब तक हमने 50 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, एग्जाम्स में 10 मार्क्स का डेफिनेशन आता है और 5 मार्क्स से क्लासिफिकेशन आएगा, एवरी क्वेश्चन विल कैरी हाफ ऑफ मार्क्स। सो 15 मार्क्स का सिलेबस यहाँ तक, इस लेक्चर तक 15 मार्क्स का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम और आगे बढ़ेंगे। बट फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना सही, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।